ऐसे हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सिंघल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद भाई जफर इस्लाम जी, इस विधानसभा के प्रभारी श्री अरुण वशिष्ठ जी, श्री नन किजोर गुर्जर जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं पहली बार लोनी नगर में आया हूं और लोनी नगर में आकर पवित्र भूमि के दुर्गा हनुमान मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर धरा चाहे तैमूर लंग के सामने लड़ना हो, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, ये भूमि ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, वीरता के साथ इसका सामना किया है। मित्रों, आज मैं आपके पास आया हूं तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं, वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव, और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव। ये चुनाव के अंदर कोई छोटे उद्देश्य के लिए हम यहां न आए। मित्रों, मैं आज राम प्यारी गुर्जरी को याद करने आया हूं कि वीरांगना राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को यहां से उल्टे पैर वापिस जाना पड़ा। अपने प्रदेश में जाकर दिल्ली छोड़कर तैमूर लंग की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु का कारण भी मेरे लोनी के वीर गुर्जरों ने मारा हुआ भाला था, इसके कारण ये भूमि सम्राट मिहिर भोज की भूमि है, ये भूमि वीरों की भूमि है, ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तीनों चुनाव में मैं आया हूं, 2013 में भी आया था, 17 में भी आया था, 19 में भी आया था, हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा की झोली वोटों से भरकर भोले शंकर की तरह भाजपा को आशीर्वाद दिया। आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं भाइयों, बहनों, माताओं, बताओ
आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है, 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज लफीर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया। हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा रक्त रहा है। मित्रों, ये किसानों की बात करते हैं, मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिले, सहकारी चीनी मिले थी, आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई, बताओ कौन जिम्मेदार है? ये सपा, बसपा, बसपा, सभा, बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिलों का विस्तार करने का काम किया है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो, 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी। अरे अखिलेश भाई, बहन जी, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके समय में
विकास के काम क्यों नहीं होते थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में इनके जमाने में हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर जिले में एक एक माफिया को डेप्यूटी सीएम बनाया हुआ था। बनाया था या नहीं बनाया था? जोर से बोले, बनाया था या नहीं बनाया था? हर तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया गया। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया, और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश बाबू, पूरा उत्तर प्रदेश आज भी नहीं भूला है किस प्रकार से निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाकर उनके मृतदेहों को गोमती में डालने का काम आपकी सरकार ने किया था। मित्रों, हमने ये 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को एक भी दंगा नहीं होने दिया। दंगा करने की किसकी भी मजाल नहीं। और लोनी वालों, मैं कहने आया हूं, अरे डरिएगा मत, मैं बैठा हूं दिल्ली में, कोई दंगा नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को एकदम पटरी में लाने का काम किया है। अखिलेश बाबू की सरकार थी तब 5 साल में जो आंकड़े थे, और योगी जी की सरकार 5 साल चली, इसमें जो आंकड़े बने हैं वो देखने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने डकैती में 70% की कमी करी है। कितने प्रतिशत की? लूट में 69% की। कितने प्रतिशत की? हत्या में 29% की। कितनी? बलात्कार में 30% की। कितनी? और अपहरण में 35% कमी हुई है। अखिलेश बाबू, चर्चा करनी है तो मेरे लोनी के चौराहे पर आ जाओ, हमारा विधायक आकर खड़ा हो जाएगा और आपको जवाब दे देगा। आप क्या कानून और व्यवस्था की बात करते हो? कानून और व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने ठीक करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बदलाव लाने का काम किया है। मैं सिर्फ लोनी जिले की बात करता हूं। लोनी जिले में गरीबों के आवास 3000 दिए गए। कितने? 3000 गरीबों को। आयुष्मान भारत के कार्ड जिसमें 5 लाख तक का इलाज गरीब फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है, वो 90,000 लोगों को देने का काम किया है। कितना? 1,83,000, 1,43,000। कितने? 1 लाख माताओं बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में, 2 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे लोनी वालों, मुझे बताओ भाई, ये सपा की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? ये माताओं बहनों जरा बताना, आती थी क्या बिजली? आपने बदल दिया, कमल फूल की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई, बिजली आती है या नहीं आती है? कौन लाया बिजली भाई? कौन लाया बिजली? ये सपा वाले आएंगे फिर से अंधियारा करेंगे। मैं आपको कहने वाला हूं मित्रों, एक आध दो घंटा जाती है ना, वो भी नहीं जाएगी। अगले 5 साल में 24 घंटा 365 दिन। मित्रों, हमने मेरठ गाजियाबाद
दिल्ली रैपिड रेल मेट्रो पर काम कर रहे हैं, वो बहुत कम समय में चालू हो जाएगी। हिंडन एयरपोर्ट का विकास किया गया है जिससे गाजियाबाद के अंदर नए उद्योग लगने की पूरी संभावनाएं बड़ी है। डुंडा हेड़ा में 50 बेड का अस्पताल बनने की शुरुआत कर दी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट आपके लोनी में भी लगाए गए हैं। आरटीपीसीआर की सगवड़ टेस्टिंग की सुविधा यहां पर करी गई है और एक गाजियाबाद शहर में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 2 गार्बेज फैक्ट्री बनकर तैयार हो गए हैं और पर्यटन के लिए 26 से ज्यादा जगह पर आज पर्यटन केंद्र बनाने का काम भी यहां पर हो गया है। मेरठ के अंदर ये युवाओं को खेलने के लिए खेल यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। मित्रों, जेवर में अरे यार सुनो जरा। मित्रों, जेवर में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। शामली में 250, ये ध्यान से सुनना भाई आप लोग, शामली में 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी बटालियन की स्थापना की है। मुझे बताइए भाई, ये पीएसी आती है वहां दंगे होते हैं क्या? होते हैं क्या? पीएसी जहां आती है वहां 200 किलोमीटर में दंगे कराने वाले दुम दबाकर भागते हैं। सहारनपुर और मेरठ में भी एयरपोर्ट का विकास किया है। 594 किलोमीटर लंबा मां गंगा के किनारे किनारे एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू हो गया है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। आगरा में निर्माण काम चल रहा है। 10 महानगर जो चयनित किए, इसमें सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लिए चयनित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की शुरुआत की है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 100 एकड़ में एक मेडिकल डिवाइस सेंटर बन रहा है। 40 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 6 नए एक्सप्रेसवे बनाए हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मोदी जी और योगी जी दोनों काम कर रहे हैं। मित्रों, इस देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ लोनी वालों, आप किसी को भरोसा था कि इस देश में से कभी धारा 370 जाएगी? था भरोसा? जरा जोर से बताओ, था? मित्रों, मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और आज हमारा प्यारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। और जब धारा 370 हटाई जा रही थी, मेरे सामने कहकर खड़े होकर लोकसभा में अखिलेश बाबू धमका रहे थे कि क्या हटाते हो धारा, खून की नदियां बन जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां क्या बहेगी, किसी की कंकर डालने की भी हिम्मत नहीं। ये सपा बसपा वाले आए ना तो उनको पूछना क्यों विरोध कर रहे थे धारा 370 का, अपनी वोट बैंक के लिए?
अपनी वोट बैंक के लिए कश्मीर को ताक पर रखते हो? क्या आपका वोट नहीं है भाई? है या नहीं है? है या नहीं है? इनको पूछना कि वोट बैंक के लिए हम कश्मीर जाने नहीं देंगे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सहयोग से देश में सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली, 2004 से 2014। चली या नहीं चली? 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और मित्रों, दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रहे। मित्रों बोलो, भारत माता की। और मित्रों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी की सरकार बनी, ये पाकिस्तान वाले समझे नहीं, उनको लगा आज भी मोनी बाबा की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार आ गई है, समझे नहीं, उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे निर्दोष जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश भर में संदेश फैला है कि हमारी सेना और हमारी सीमा, उसके साथ छेड़खानी करने वालों को दंड दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं बहनों भाइयों, मैं यहां पर आया हूं तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को दो हाथ जोड़कर करबद्ध विनंती करने आया हूं। ये उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल और केवल मोदी जी बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की सुरक्षा केवल और केवल योगी जी सुरक्षित कर सकते हैं। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों का कल्याण भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ माताओं बहनों भाइयों युवाओं, हमारे नंदकिशोर आगे आओ, दौड़ो, हमारे नंदकिशोर के कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भारी बहुमत से विधायक बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? 300 पार करोगे क्या? पक्का करोगे? मान कर जाओ पक्का, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और लोनी के और एक गाजियाबाद के वीरों को याद कर मुट्ठी भींच कर मां भारती का जयकारा बुलाइए। भारत माता की वंदे मातरम। माननीय अमित शाह जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद। माननीय अमित शाह। माननीय अमित शाह। माननीय अमित शाह। देश का शेर जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।